दीपा जी, ऐसे रिश्ते तो बहुत आते होंगे आदित्य के लिए जी, तो क्या बोलती फिर आप उनको कि अभी बच्चे को अभी काम करने दो? ऐसे अभी उनकी मर्जी। अच्छा। क्या करेंगे अभी? क्या बात आदित्य, वैसे मुबारक हो, आपके मम्मी पापा इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। खुद भी तो निकल लिए थे ना शादी के, किसी की परमिशन थोड़ी ली थी। दीपा जी, आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो हैं यहाँ पे आई हुई हैं हमारी मेहमान, बहुत सुंदर सुंदर बैठी हैं। जी, उनको ये भी लगता है कि शायद दीपा जी और उदित जी, क्योंकि खुद इतने सुरीले हैं, तो हो सकता है वो गाना भी सुनना चाहे। तो ऐसे बड़ी तैयारी करके आई लड़कियां। अच्छा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको मंच पे बुलाऊं। अगर आपको कोई पसंद आए तो आप तीन लोग आए गाड़ी में, चार जाइएगा, जैसा आपको ठीक लगे। तो जी, कौन कौन है सखियां हमारी, जो एक दो तीन और चार, प्लीज मंच पे आइए। तो वन बाय वन आप अपना नाम बता दीजिए। आपका क्या नाम है? हाय, आई एम सिमरन। हाय आदि। हाय सिमरन, हाउ आर यू? सिमरन वेलकम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिया है। हाय आदित्य। हाय रिया। मेरा नाम भी सिमरन है। हाय आदित्य। बड़े बड़े शहरों में दो दो सिमरन होती रहती है। क्या बात। मेरा नाम मानसी है। हाय आदि। हाय मानसी। तो शुरुआत करते हैं सिमरन जी आपसे, कैसे आप इंप्रेस करना चाहेंगी दीपा जी को? वैसे तो मैं फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, तो आपके लिए हर इवेंट्स में मैं कपड़े डिजाइन कर सकती हूँ। तो कुछ भी यू नो, आपके लिए लाइफ लॉन्ग मैं ही कपड़े डिजाइन करूंगी। इनके बारे में सोच सकते हैं? वेरी नाइस। सोच सकते हैं। तो गाना वाना भी आता है आपको? सॉरी, सुरीली फैमिली है। हाँ, मैंने इनके लिए गाना प्रिपेयर किया। पहले बोलना चाहिए ना आपको। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया, ऐसा थी प्यार का, तुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। चुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, दीपा जी ने तो पता नहीं किसी को सिलेक्ट किया नहीं, दो तीन आंटियां हैं जिन्होंने उदित जी को सिलेक्ट कर लिया है। रिया, आप क्या कहना चाहेंगी दीपा जी को? मैं पहले गाना गाना चाहूंगी। अच्छा, जरूर प्लीज। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो मन का जोश जोश, नहीं तेरा, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मद होश तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ये दूल्हे के पापा है। ये दूल्हे नहीं है। रिया, गाना तो आपने गा दिया, और क्या क्या कर सकती हैं आप? ऐसे तो मैं सीए कर रही हूँ, तो आपको आजकल वैसे भी टैक्स और बहुत भरना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो सब चीजों से आपका रिड्यूस कर सकती हूँ टैक्स, आपको किसी और को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह वाह, क्या बात। ये और जितना बचाएंगे उससे डबल जो खर्चा करेंगे फैशन पे, वो तो होता ही है। सिमरन, वंस अगेन वी हैव सिमरन इन द हाउस। मैम, मैं पहले आपको बता दूं, आपको कोई टेंशन नहीं अगर मैं आ गई तो, क्योंकि घर और उनका कैश मैं संभालूंगी। ओहो, दीपा जी डाकू आ गए, डाकू। खोल लो, खोले रहा। ओह माय गॉड। आप करती क्या है सिमरन?
मैं तो बीए कर रही हूँ। अच्छा वो सीए कर रही थी? आप बीए कर रही है तो नहीं कर रही? तो मैं आपके लिए गाना गाऊं? प्लीज प्लीज। अरे सिमरन गाओ। क्या बात है, बजाने के लिए उनको भी साथ ले लो, थोड़ा अच्छा लगेगा उनको। हाँ मुस्कुराने मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ रे पिया रे, पिया रे। क्या बात है, पिया रे। थैंक यू सिमरन। सिमरन इतनी पवित्र आत्मा है कि कोई लेना देना नहीं कौन कहाँ क्या बजा रहा है, वो अपनी ताल वो अपना बजा रहे हैं, हर एक की अपनी पहचान होनी चाहिए। वेरी नाइस सिमरन। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दीपा जी थैंक यू, कुछ कहना चाहेंगे आप? सब बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे बच्चे हैं चारों में। क्या बात है, वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल, नाइस मीटिंग यू ऑल। कपिल जी सब अच्छे लगे? सब अच्छे वेरी गुड। थैंक यू मम्मी जी। मीट द नारायण। चलिए चलिए, बाय गाइस, बाय सर, थैंक यू सो मच। अरे क्या कर रहे थे, हमारे शो की बहू बेटियों को ऐसे लेके जा रहे हो? आप ही लेके आए, आप ही ने ऑडिशन कराए। पर इतनी आपने इतना प्यारा गाया आप सबने, थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा दीपा जी, जो भी स्टार्स हैं चाहे वो फिल्म एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं जी, तो आदित्य कुछ अफवाहें हैं ऐसी हमारे पास। हाँ। आदित्य सर, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं ये सच्ची हैं या ऐसे अफवाहें ही हैं ये? ठीक है। तो उदित जी एक अफवाह ये है कि जब आप बहुत छोटे थे तो मेले में एक भिखारी जो है वो आप पे भड़क गया था क्योंकि आपने गाना गा के 25 पैसे उससे ज्यादा कमा लिए थे, इज इट ट्रू सर? मुझे लगता है सही है। अच्छा जी, हाँ बचपन में आप, क्योंकि बहुत छोटे से मैं गा रहा हूँ तो गांव घर में मेला लगता है। अच्छा जी, तो मैं ऐसे ही छोटा था तो कई सिंगर्स थे वहाँ। अच्छा जी, तो कंपटीशन हो गई, बोले कि किसी ने कहा कि अगर जो जितना गाया उस पर सॉन्ग 25 पैसे मिलेंगे, तो मैं 5 रुपया जीता था, मुझे याद है। क्या बात है। जी आदित्य, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने पापा से नाराज हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि सारा दिन जैसे आपने बताया कि वो लुंगी और गंजी में रहते हैं जी, लेकिन जैसे कोई आपकी फ्रेंड घर पे आती है तो ये फटाफट जाके कोट पैंट पहन के बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, इनका एक ही अटायर रहता है, ये घर के बाहर जब जाते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो भी मम्मी पहनाती है। अच्छा है, यही पहना है तो अच्छा है। उदित जी एक अफवाह ये है कि मोबाइल कंपनीज को ये आइडिया जो सेल्फी कैमरा वाला है वो आपको देख के आया, क्योंकि आप हमेशा गाने गाते गाते एक हाथ सेल्फी के स्टाइल में ऐसे। क्या बात है, वाह वाह वेरी गुड, वाह वाह, ओ माय गॉड, क्या ये सच है पापा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा आदित्य, आपके बारे में एक अफवाह है कि स्कूल में जब ड्रामा होता था तो आपको हमेशा नारद मुनि का रोल मिलता था, क्योंकि उनको लगता था कि जिसके नाम में ही नारायण है वो नारायण नारायण कितना अच्छे से करेगा, इज इट ट्रू? ये सरे आम झूठ है सर, बट मुझे स्कूल में चिढ़ाते बहुत थे ऐसे नारायण नारायण। अच्छा। करके बहुत चिढ़ाए करते थे बच्चे, बट मैं सबको बता दूं कि एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि हमारा सरनेम नारायण है, बट हमारा सरनेम झा है। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा कि सरनेम भी जरूरी है जी। उदित नारायण झा, दीपा नारायण झा जी, आदित्य नारायण झा, तो सबने कहा फिल्म इंडस्ट्री में भी कि उदित नारायण नाम सुनने में ठीक लगता है ये रखते हैं, लेकिन जब
पहला गाना मैंने गाया था ना, तो उस वक्त एलपी रिकॉर्ड होते थे जी, तो उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद रफी, उषा मंगेशकर एंड उदित नारायण झा। क्या बात। अरे आपको पता है, आपको ऑब्वियसली आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, क्योंकि जिनका स्टाइल फेमस है, जिनको लोग प्यार करते हैं, उनको मिमिक भी करते हैं, तो उदित जी को बहुत सारे लोग मिमिक भी करते हैं। कभी आपने ट्राई किया पापा को ऐसे? बड़ा अच्छा करता है, करके दिखा ना। अच्छा करता है, जरा हो जाए। बहुत अच्छा। एक छोटा चार लाइन गाता हूँ पापा के स्टाइल में। जादू तेरी नजर करते हैं। हाँ, क्या बात है। करण, आई मीन किरण, आई लव यू, आई लव यू किरण। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। क्या बात है। लेकिन एक चीज मिस की है, और ये करते हैं पापा, ये वाला जो है ना। अच्छा। मैं पहली बार देखा, मैं घबरा गया, मुझे लगा उनको चोट वोट लगी है। अच्छा है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।